राजमहल टीवी के प्रोग्राम नज़रिया विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ बलजीत सिंह। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। प्यारे दर्शकों, जिवें कि तुसी जानते हो, कोरोना वायरस महामारी ने सारे विश्व नूं अपनी लपेट विच लिया होया। हर पासे एक खौफ है, सहम है, और बीती कल भारत रूस नूं पछाड़ के 10 प्रभावशाली मुल्कां दे विच तीजे नंबर ते आ गया। सो साडियां चिंतावां वधदियां जा रहियां ने। इस दे नाल नाल ही समाज नूं दरपेश चुनौतियां ने, उन्हां दी तादाद दे विच वी इजाफा हुंदा जा रहा। हर शोबे दे विच इक सहम है ते हर शोबे दे लोक ने जिहड़े ओह इस तों मुतासिर होए ने। साडे नाल पंजाबी यूनिवर्सिटी तों जीवन प्रीत कौर जुड़े हुए ने, जिहड़े कि उत्थे PhD कर रहे ने, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट दे तालिबे इल्म ने। तो असीं उहनां नाल गल करदे हां। जीवनप्रीत, तुहाडा प्रोग्राम नज़रिया विच बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। जीवन, तुसी की समझदे हो कि इह जिहड़ा सारी दुनिया दे विच सहम है कोरोना वायरस नूं लैके, इसने हर वर्ग नूं तां प्रभावित कीता ही है, पर तुसी की सोचदे हो वो किहड़े किहड़े वर्ग ने जिन्हां ते इस दी सब तों ज़्यादा मार पई है? देखिया जावे, जिहड़ा कोरोना महामारी दा इक डर है, साडे अंदर सहम है, इह सारे वर्गां विच ही बहुत ज़्यादा है। पर इस जो महामारी के डर ने बहुत लोगों को नुकसान भी पहुंचाया, बहुत लोगों को लाभ भी पहुंचाया। जे लाभ की गल करिए, लाभ लैण वाले वह लोग ने जिन्होंने आप कह सकते हैं मिडिल क्लास से हायर क्लास कितने ना कितने मतलब फायदे च हुई है। उन्होंने इन्ना नुकसान नहीं झलना पाया जिन्ना कि कुछ गरीब वर्ग जो रोजाना दिहाड़ी मजदूरी करके रोजगार कमा के अपने बच्चों को पाल रहा है। अमीर लोग ने जो बीमार भी हो जाने बड़ियां सहूलतां ने, और दूसरी गल है जिहड़ा मध्य वर्ग है उसनों भी कोई समस्या नहीं है। उहदे कोल हर चीज प्राप्त मात्रा दे विच मौजूद है। वह सैनेटाइज भी कर सकता है, सैनेटाइजर लिया सकता है, महंगे महंगे मास्क भी खरीद सकता है, इतों तक कि फैशनेबल ढंग वाले मास्क भी वह पाने मतलब अफोर्ड करता है। वह बार बार साबण नाल हाथ भी धो सकता है। उसनों किसी चीज़ की इस तरह की कमी नहीं। पर जिहड़ी गल तुसीं कीती है कि मेहनत कश मजदूर ने जिहड़े तुसीं वेख्या होना पिछे किन्नी वड्डी गिणती विच, लखां दी गिणती विच अपने पितरी राज्यां नूं जाण वेले उह किन्नियां मुश्किलां मुसीबतां दे शिकार होए, उहनां दे विच जिहड़े लोक बीमार ने या जन्मजात अपाहज ने, उन्हां बारे तुसी की सोचदे हो? सर, उन्हां बारे जे देखिया जावे जिहड़ियां समें
उस तरह दी सहूलतां जिहड़ियां ने उह अपने अदारियां च रखण, जिवें उहनां वास्ते अलग वाशरूम्स हुंदे ने, बस दे विच चढ़न दा उहनां दा अपना एक वक्खरा मतलब इंतजाम हुंदा, और इसे तरह ही मतलब हस्पतालां दे विच सड़क पार करन वेले उहनां वास्ते खास किस्म दीआं लाइटां लाईआं जांदीआं ने, जां कुछ जिहड़े इस तरह दे बहुत थावां दे उत्ते कुछ डॉग्स वी ऐसे ने जिहड़े उहनां दी मतलब राह दसेरे बणदे ने। दूसरी गल इह है कि साडे हिंदुस्तान दे विच जागृति अजे नहीं आई, जिवें तुसीं कहा है कि उह जिवें आपां कहिंदे आ कैदो लंगा फलाना जो इस तरह बोलदे आ असीं, इहनां दे प्रति सत्कार दी भावना उत्पन्न नहीं हुई, किस तरह हो सकती है? सर इस दे लई आपां नूं जिहड़ी इक जागरूकता एक बच्चे दे लेवल तो शुरू करनी पवेगी, वी अपना बच्चियां दा ट्रांसपोर्ट वाला एक चैप जिहड़ी इकोनॉमिक इहनां नूं कहिंदे सोशल सिक्योरिटी दिंदी है, साढ़े 700 रुपया सोशल सिक्योरिटी दे विच बंदा किस तरह मतलब उह साधन वी अपना लै के इक जगह तो दूजी जगह किस तरह जा सकदा है। पर सर इक प्लेटफॉर्म तो अगर ट्रेन ने 2 या 3 या 4 नाबीना लोग जिन्हां नूं नजर नहीं आउंदा सी हुण उह मतलब वड्डे वड्डे अहुदिआं ते वी विराजमान होए ने, और IPS वी कर जांदे ने, इस तरह के मतलब प्रशासनिक अहुदिआं ते आए ने, है ना। दूसरी गल है कि उन्होंने एग्जाम देने वास्ते भी खास सहूलतां दित्तियां जांदियां ने, पर अजे भी असीं बहुत कुछ करना बाकी है। जांदे जांदे तुसीं की कहना चाहोगे कि सानू प्रोग्राम नज़रिया विच अपने कीमती वक्त चों कुछ पल कढ के आए, अगे भी असीं चाहांगे कि तुहाडे नाल किसी ना किसी होर विशे ते गलबात हुंदी रहे। तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, तुहाडा भी ते राजमहल टीवी दा भी बहुत बहुत शुक्रिया।